मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने अरेस्ट कर लिया। जांच एजेंसी मंगलवार सुबह 7 बजे बालाजी के घर पहुंची थी। यहां उनसे 24 घंटे पूछताछ हुई। ईडी की कार्रवाई पूछताछ के दौरान सेंथिल ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए चेन्नई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां वे दर्द से रोते हुए दिखे। अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में सेंथिल बालाजी को CABG बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई है। तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने कहा, सेंथिल बालाजी को निशाना बनाया गया और प्रताड़ित किया गया। ईडी उनसे 24 घंटे लगातार पूछताछ करता रहा। यह पूरी तरह मानवाधिकार के खिलाफ है। DMK राज्यसभा सांसद NR एलंगो ने बताया कि बालाजी को घर पर नज़रबंद कर दिया गया था। 14 जून की रात 2:30 बजे तक उन्हें किसी भी दोस्त, रिश्तेदार और उनके वकील से मिलने नहीं दिया गया। सेंथिल को गिरफ्तार किए जाने के बाद DMK एक्टिव हो गई है। पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अपने घर पर राज्य के सीनियर मंत्रियों की बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक स्टालिन अपनी कानूनी टीम के साथ भी बैठक करेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ।